ऐसे uh, <coughs> एक चीज़ बोलना बहुत मुश्किल है लेकिन uh, क्योंकि हम यहाँ इस मंच पर जर्सी को प्रमोट कर रहे हैं और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ही करीब है इसलिए इस फिल्म के अंदर एक बात है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम अमूमन क्योंकि मैं सत्रह अठारह साल काम कर चुका हूँ मैंने आई थिंक थर्टी फाइव फोर्टी फिल्म हैं उनमें से शायद चौदह पंद्रह चली होंगी बीस बाईस नहीं चली उनको लोग ऐसे भूल जाते हैं यू you नो know? लेकिन उस फिल्म के पीछे जितने लोगों ने मेहनत की होती है जितने लोगों ने काम किया होता है जितने लोगों की रोज़ की मश, मशक्क़त होती है okay. वो लोग भूल जाते हैं वो लोग जब एक टीम uh, मैच खेलती है और दो रन से हार जाती है तो जब वो वापस जाती है तो उनको हल्की सी ताली भी नहीं मिलती है यू you नो know? क्या उन्होंने कम मेहनत की क्या उनकी कोशिश कम थी क्या वो वो दर नॉट वर्किंग विद द सेम स्पिरिट एज दे हैड वर्क अर्लियर You know? तो बहुत सारी ऐसी फिल्में आएंगी जो अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती हैं हम सब करते हैं लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जो कोशिश को सेलिब्रेट करती है Beautiful. जो ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करती है जो एक इंसान के अंदर की जो प्योर फीलिंग है उसको सेलिब्रेट करती है और मैंने इस अठारह उन्नीस साल में यही सीखा है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा कौन सा दिन अच्छा जाएगा कौन सा दिन बुरा जाएगा लेकिन आपने पूरे दिल से कोशिश की क्या क्या आप सोने से पहले अपनी शक्ल शीशे में देख के कह सकते हैं कि यार मेरे अंदर जो भी था मैंने सब दे दिया hmm. खुशी उसमें होनी चाहिए करेक्ट और एक्चुअली सेलिब्रेशन के वर्दी वो चीज़ होती है सो टुडे आई वांट टू से दैट दिस फिल्म इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट पिछले दो साल हम सब ने बहुत मुश्किल देखी है yeah. और हम सब चाहते हैं आज की तारीख में कि हमें फिर से मौका मिले जाके वो सब करने का जो जो पिछले दो सालों में हमारे हाथों से छूट गया वो चीज़ और यही होता है यू नो जवानी में भी ऐसा होता है कि आप चीज़ों को यू टेक इट फॉर ग्रांटेड आपको ऐसा लगता है यार ये तो मैं कर लूँगा लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है यू you नो know, अगर दस लोग होते हैं उसमें से नौ लोगों की ज़िंदगी सफल नहीं होती सिर्फ़ एक इंसान सफल होता है okay. तो क्या उन नौ ने मेहनत नहीं की थी क्या उन नौ के लिए ताली नहीं बजनी चाहिए क्या उनकी कोशिश में उनका दिल उनका खून उनका पसीना नहीं था तो ये फिल्म जो है ये ये कहती है आप जीते ना जीते लेकिन कोशिश करना ना छोड़ें क्योंकि कोशिश ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू वांट टू मेक योर ड्रीम दैट इज द ड्रीम द ड्रीम इज टू वेक अप एंड डू व्हाट यू लव विद ऑल योर हार्ट एवरी डे एंड दैट इज व्हाट मस्ट बी सेलिब्रेट क्या बात है <laughs> सर मैं कह रहा हूं सर मैं कह रहा हूं ये आदमी बहुत अच्छा बोलता भी है दिमाग भी बहुत अच्छा है एक्टर के साथ सर राइटर भी अगली फिल्म के लिए साइन कर लो <laughs>

बहुत इंपॉर्टेंट होती है आई थिंक वी आर नथिंग विदाउट आउट आर ड्रीम्स यू नो लाइफ वुड बी नथिंग इफ यू डोंट हैव ड्रीम्स एंड टुडे जर्सी इज़ गोइंग टू गेट यू गाइस टू बी अ पार्ट ऑफ जर्सी मूवी तो है ही लेकिन आप लोग हैं जो इसका हिस्सा बनेंगे वेयर वी अनवेल द जर्सी ऑफ द ड्रीम्स फॉर द फर्स्ट टाइम तो जब भी कोई पहली चीज़ होती है तो तालियां जोर ज़रा बन है ना पहली बार जब प्यार होता है तो पागल हो जाते इंसान तालिया ग all right so uh, first of all though i would request uh, obviously the three of you to uh, do this and unveil the jersey of dreams because uh, guys for the first time this is happening that the cast of a film is unveiling the jersey of the dreams in front of all of you <laughs>